और तुम्हारी सारी पढ़ाई मिट्टी में मिल जाएगी, खत्म, तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। इसको मैं बोलता हूं 1 मिनट फॉर्मूला। यह आपका भविष्य निर्धारित करेगा। हर मुद्दे पर दो विचार आएंगे। अगर आपने अब वहीं पर आप कौन सा विचार पकड़ोगे, यह आपका भविष्य निर्धारित करेगा। सर यह सबके साथ होता है सर, यही यही ध्यान है, यही आप बार बार पूछते हो ना ध्यान क्यों करें, क्योंकि विचार दोनों उठेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो पकड़ोगे वही भाग्य। हर फेस में, हर आपकी गर्लफ्रेंड आपका फोन नहीं उठा रही, उसका फोन बिजी आ रहा है, आपके मन में आ गया किसी और से बात कर रही है, आप ये भी सोच सकते हैं कि पापा से बात कर रही होगी, कोई बात रख दिया, अब जब वो करेगी तभी कर लेंगे ना। सर विचार से शांति और अशांति का कितना बड़ा संबंध है सर, सिर्फ विचार, ओरिजिनली में कुछ है ही नहीं, दोनों विचार, एक विचार आपको शांति दे रहा है और दूसरा विचार आपको अशांति दे रहा है, और यह हर केस में होगा सर, हर जगह होगा, हर जगह लाइफ के हर फेस में ये दो विचार उठेंगे। अब आप अगर ध्यानी हैं तो आप पॉजिटिव विचार पकड़ेंगे, ये ध्यान का सबसे बड़ा रूल है सर। तुम बैठ के पढ़ रहे हो और तुम्हारे मन में विचार आ गया कि बड़ी वाली बुआ पापा को परेशान किए हुए, तो तुम्हें क्या करना है, तुरंत आंख बंद कर लेना है, उस विचार को देखना है कि और बताओ और क्या बता रहे थे, बड़ी वाली बुआ और वो कानपुर वाले मामा बारे में कुछ बताओ, और वो बलिया वाली जो चाची है बड़ी वाली उनके बारे में नहीं बताओगे, तो तुम देखना विचार तुरंत गायब हो जाएगा। जब तुम दबाते हो किसी चीज को तब वो बढ़ती है, जब तुम देखते हो तो वो घटती है। अब यार 24 घंटा बैठ के तो ध्यान तो कर नहीं पाओगे, फिर पढ़ोगे कब, फिर आंसर राइटिंग कब करोगे, फिर नौकरी कब करोगे, तो जहां बैठे हो बस एक मिनट, इसको मैं बोलता हूं 1 मिनट फॉर्मूला। जैसे ये बम्बार्डमेंट करे बस आंख बंद कर लो, तुम क्या करते हो, तुम उस विचार से अटैच हो जाते हो, तुम उस विचार से अटैच हो जाते हो। अब तुम्हारा उन्हें विचार आया कि आईएएस नहीं बने तो यार भीख मांगेंगे, तुम उससे अटैच हो गए, बस वो चेन रिएक्शन बनना शुरू। जैसे ही तुम विचार से अटैच हो गए वैसे क्या होगा, चेन रिएक्शन बनेगी और तुम्हारी सारी पढ़ाई मिट्टी में मिल जाएगी, खत्म, तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। तो जैसे ही विचार उठे तुम्हें आंख बंद कर लेंगे।